हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग सीवी की विंग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की सुबह बहुत ही स्पेशल है और मैं कल रात में ही आई हूँ मामा के घर से, तो आप सांसद जी को देख सकते हैं, वो मुझे परेशान कर रहे हैं। 10 दिन से मैंने बहुत मिस किया और आप देख सकते हैं। 10 दिन से नहाया भी नहीं है। तो सांसद जी को देख लीजिए आप। तो दोस्तों वैसे मैं बता दूँ आज स्पेशल क्यों है, क्योंकि आज वोट पड़ने वाली है मेरे वहाँ। और दोस्तों आज मेरी क्या, इनफैक्ट मेरी पहली वोट है इस बार, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मेरे भैया आ जाए तो हम दोनों को साथ में ही जाना है डालने, इस वजह से मैं रेडी तो हूँ, बट भैया का इंतज़ार है। वो आ जाए तो हम लोग साथ में जाएंगे वोट डालने और आप इन लोगों से मिल सकते हैं। काफ़ी दिनों बाद ये लोग दिख रहे हैं मेरे साथ। तो ये सांसद जी हैं और देखिए सांसद जी की बहन है, इनफैक्ट मेरी बहन है वो। और आइए मैं आपको किसी और से मिलवाती हूँ जिसको मैंने बहुत 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 ज़्यादा मिस किया वहाँ पे 10 दिनों में। तो आप देख सकते हैं मिस्टर डेविल। तो दोस्तों ये बहुत अच्छे हैं, जब भी मैं बाहर से आती हूँ तो ये इतना खुश हो जाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। अपना चेहरे उगा दिखाओ। तो दोस्तों आप इनसे मिल सकते हैं, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। जब भी मैं उनसे आती हूँ बाहर तो ये मुझसे मिल करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और दोस्तों मेरे पापा सबसे 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 अच्छे हैं, वो सुबह उठ करके सबसे पहले वोट वो डाला है और वो चले भी गए हैं इनफैक्ट। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे पापा ने वोट डाला है मेरे घर में और वो जा भी चुके हैं। तो अब मैं भैया का इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि उन्हीं के साथ में जाना है। और गाइज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी फ़र्स्ट वोट है इस बार। और क्या, तो मैं अभी रेडी तो हूँ, बस उनका वेट कर रही हूँ क्योंकि वो लखनऊ से आ रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक मैं जा रही हूँ कुछ काम कर लूँ क्योंकि 10 दिन नहीं थी तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, कुछ चीज़ें समेटनी हैं अपनी क्योंकि सब इधर से उधर हो चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ अंदर थोड़ा काम करने, उसके बाद अभी फिर जब भैया आ जाएंगे तो मिलेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद। सो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं वोट डालने, मेरे भैया आ चुके हैं। तो देखिए पीछे मेरी मम्मा बैठी हुई, मैं बैठी हुई और मेरे भैया आगे बाइक चला रहे हैं। तो दोस्तों बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और देखिए हम लोगों का सेंटर ज़्यादा दूर नहीं गया, पास में ही है। और मेरे भैया देखिए यहाँ पे राइड कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं। और दोस्तों रास्ते में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो मम्मी पीछे बैठी हुई हैं और सबसे ज़्यादा खुश तो मैं हूँ यहाँ पे इस टाइम। और मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं वोट डालने के बाद। आप देख सकते हैं जहाँ पे हम लोगों के वोट पड़ने थे तो वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। और फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों मेरे भैया अंदर गए हैं वोट डालने और मैं बाहर खड़ी हुई हूँ, उनका वेट कर रही हूँ। वो आ जाएंगे तब मेरा नंबर आएगा। और मैं हेलमेट पकड़ी हुई इस वजह से हम दोनों लोग साथ में नहीं जा पाए हैं, तो एक एक करके जाएंगे हम लोग। दोस्तों ये कॉलेज है बच्चों का, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है इसके अंदर। और मेरे भैया आ जाए तो मेरा नंबर आएगा, फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों फाइनली हम लोग का वोट पड़ चुका है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, और मैं मेरे भैया दोनों लोग वोट डाल चुके हैं, अब हम लोग वापस जा रहे हैं। सो गाइस फाइनली देखे मैंने वोट दे दिया है और हम लोग घर की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों मुझे बहुत मज़ा आया वोट दे करके, मैंने पहली बार देखा कि वोट कैसे देते हैं और मुझे नहीं पता था कि कैसे वोट दिया जाता है। तो आज मुझे फाइनली पता चल गया कि कैसे वोट दिया जाता है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा फर्स्ट टाइम वोट दे करके। मुझे वहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था जहाँ पर वोट दिया गया है। और हाथ में देखिए मेरी इंक भी लगाई गई है, तो ये प्रूफ हो गया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं, तो अब सीधे मिलेंगे घर पर। तो दोस्तों फाइनली हम लोग वोट डाला है, आप देख सकते हैं एकदम गौर से देख सकते हैं, दिस इज़ माय फर्स्ट वोट और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दोस्तों मेरे भैया भी डाल चुके हैं, मेरी मम्मी भी डाल चुके हैं, इनफैक्ट मेरे पापा ने सबसे पहले मॉर्निंग में वोट डाला था। और बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया मुझे वोट डाल के, क्योंकि जहाँ मैं वोट डालने गई थी वहाँ पर बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ कहीं घूमने, अपनी मम्मी को देख सकती हूँ, मेरी मम्मी ने भी वोट डाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेरे भैया ने भी वोट डाला है, मैंने भी वोट डाला है, मेरी मम्मा ने भी वोट डाला है, मेरे पापा सबसे फर्स्ट नंबर पर गए थे, सुबह पता नहीं कितनी बजे गए और फिर 8 बजे आए तो कह रहे हैं सब लोग उठ के जाओ वोट डालने, सबको डांटे हैं ये झूठा लड़का एक नंबर का। तो दोस्तों हम लोग थोड़ा सा काम करने जा रहे हैं। और गाइस एक सबसे अच्छी बात कि मेरे भैया लखनऊ से आए थे वोट डालने, और कहाँ का, मुंबई दिल्ली जा रहे थे गाँव, इनफैक्ट मैं लखनऊ में थे तो वो लखनऊ से वोट डालने आए थे। और अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने घर के पास में, क्योंकि भैया बहुत कम ही आते हैं और आज वो आए हैं। और ये पता नहीं मुझे कुछ दिखा रहे हैं, तो आप भी देख लीजिए। दोस्तों ये आपने बचपन में खाया होगा, बहुत अच्छी चीज़ है।
और हम लोग जा रहे हैं भैया के साथ में। उसको पता नहीं मेरे डेविल को क्या हो गया है, वो बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है, मुझे नहीं पता। इसको हल्का हल्का फीवर आ गया है, तो ये बहुत आराम से बैठा हुआ है, बिल्कुल नहीं बोला। सो मेरे डेविल बहुत क्यूट है, तो तुम आराम कर लो बाबू। फिर अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने घूमने करने, और डेविल को मैंने उड़ा दिया है, और वो थोड़ी देर आराम करेगा, फिर शाम तक वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसको शायद थोड़ी थोड़ी ठंडक लग गई है। दोस्तों फाइनली देखिए मेरे भैया अब जा रहे हैं, क्योंकि वोट हो चुकी है उनकी, अब वो जा रहे हैं वापस लखनऊ। और तो चलिए उनको बाप टाटा बोल देते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम से आए थे, इंपॉर्टेंट काम हो चुका है, वो जा रहे हैं। सो चले गए हैं, आप देख सकते हैं, तो उनको मैंने बाबा बोल दिया है, वो चले गए। और सांसद जी, दोस्तों क्या ही बताऊँ मैं, सांसद जी और मेरी बहन वो दोनों बहुत मिस करते हैं भैया को। और ये दोनों देखिए, जब तक चले नहीं जाएंगे तब तक देखेंगे खड़े होकर के। तो चले गए, अब ये लोग भी वापस आ रहे हैं। दोस्तों आइए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मैंने काफ़ी दिन बाद देखा, क्योंकि 10 दिन में यहाँ पे थी नहीं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। आइए आपको एक अच्छी चीज़ दिखा रही हूँ मैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, आम का पेड़ है। मैंने आपको पहले दिसंबर के मंथ में दिखाया था, उसके बाद मैंने फरवरी में ही बसंत पंचमी वाले दिन आपको दिखाया था। सो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे, मुझे बिलीव नहीं होता जब मैं आई, मैं मॉर्निंग में मैंने पेड़ को देखा, मैं बता नहीं सकती कि क्या नज़ारा था यहाँ पे। आप पूरा पेड़ देख सकते हैं, वैसे नज़र ना लगे मेरे पेड़ को, इतना अच्छा लग रहा है। दोस्तों ये वाली डाल मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि सबसे घनी है, सबसे सुंदर है। और इस टाइम फरवरी जा रही है, लास्ट नहीं सॉरी कल लास्ट दिन है, लास्ट फरवरी है, और फिर मार्च आ जाएगा, और फिर होली आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पेड़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, पूरा भरा भरा, आप चारों तरफ से देख सकते हैं इसको, ये देखिए। तो इस साइड अभी छोटे छोटे हैं, लेकिन उस साइड बहुत अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े बॉर निकले हैं उसमें। और बाकी सब तो वैसे का वैसा ही है जैसे मैं छोड़ के गई थी। दोस्तों मैं जा रही हूँ अंदर थोड़ी देर रेस्ट करने, क्योंकि आज घूम के बहुत मज़ा आया, क्योंकि हम लोग आज नागेश्वरम गए थे, क्योंकि टाइम मिला आज, वैसे टाइम नहीं मिलता है, फिर फाइनली आज हम लोग घूमा है पूरा वहाँ पे। और मेरी सिस्टर है ये, इसको तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं रहता, ये हमेशा घूमा ही करती है मुझे छोड़ करके, तो मैं इसको बुला रही हूँ, तो ये बोल ही नहीं रही मुझसे, शायद मुझसे नाराज़ है किसी बात को लेकर के, तो मुझसे नहीं बोल रही है। तो मैं भी जा रही हूँ उसके साथ में अंदर ही, मैं अंदर जा ही रही थी, सोचा मैं जाते जाते किसी से मिलवा दूँ, रास्ते में मुझे मिल गया वो। तो आप यहाँ पे मिल सकते हैं मिस्टर डेविल, वो काले हैं, अंधेरे में बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। तो ये देखिए, आ जाओ, कम कम माय लुलू। तो आप यहाँ पे इनसे मिल सकते हैं, मम्मी आ रही हैं पीछे। तो दोस्तों इसका मुझसे मिलने का मैं कोई इंटरेस्ट नहीं हूँ, मम्मी को देख रहा है, तो मैं भी उससे नहीं मिलूंगी। गुड इवनिंग दोस्तों, शाम के 5 बजने वाले हैं, सांसद जी तब से बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, और अभी तक बोल रहे थे। और यहाँ पे देखिए कॉफ़ी पार्टी चल रही है, सब लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, और बाहर अंधेरा हल्का हल्का होने लगा है, तो यहाँ पे देखिए कॉफ़ी चल रही है, आप देख सकते हैं, इसमें मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में इसमें कॉफ़ी ही है। इस टाइम गर्म है, और सांसद जी को आप देख सकते हैं, ये तो हमेशा उसी के साथ मस्त रहते हैं, इनके पास कोई काम धंधा नहीं बचा है। कॉफ़ी पीते हैं क्योंकि तभी भी देख सकते हैं, ये पूंछ लाते हुए मेरे पास आ गए हैं, और ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, बट सांसद जी ने उसको पकड़ लिया है। तो आप इसे मिल सकते हैं, वैसे काला और अंधेरे में और काला लगता है, तो मैं आपको दिन में उसे अच्छे से मिलाऊंगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कॉफ़ी पीने, फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद। सो गुड इवनिंग दोस्तों, अगर एक बार फिर से आप देख सकते हैं डेविल को, यहाँ पे मैं डेविल के साथ खेल रही हूँ, खाना पीना बन चुका है, रात के 9:30 बज रहे हैं, इनफैक्ट 10 बजने वाले हैं। और डेविल बहुत शैतान है, इसने आज बहुत गेहूँ खाया है। तो इसी के साथ में दोस्तों आज मैं ब्लॉग समाप्त करती हूँ, मैं डेविल के साथ जा रही हूँ खेलने। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट। और डेविल मुझे काट रहा है, तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट।